नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल साधु जटनी पर। और भयंकर कोहरा, बहुत भयंकर कोहरा, इतना जबरदस्त है कि पूछो मत। हाथ देखो इस तरह से, ये आंटा टूंटा हो रखा है। अंदर से, घर के अंदर से बाहर निकल के सिर्फ गाड़ी में बैठे हैं अभी। आंटा टूंटा हो गया, हाँ सर्दी। और अभी जो है सुमा हमें खेत अपने कुएं पर घुमाने के लिए लेकर जा रही है। सुमा ये देखो आग जला रखी है इन्होंने, जगह जगह धुई जगा रखी है। ये देखो इस एक कुकड़ी बने डो यावे सामने। ग्यारह बजे का और तो भी है, धुआं जो है उड़ी नहीं है अभी। ये देखो धुआं सिलेंडर फुगा गया है। ओ सिलेंडर फुगा गया है तो जरूरी हो गया। मान तो कि नहीं जाने को बनाई चाहिए छे पाड़ो छे कियो गाड़ी लेके। ओ क्या बात है, गाड़ी लेके कि नहीं जाने कहते नहीं तैयार ही बैठा किलो कोई 5-7 दिन एक दिन तो निकलने का टाइम मिले। ओ निकलने मौको बीते तो निकला ही तो लंबे टूर पर जाने की कोई यात्रा करने की भी है स्कीम कोई? कच्चा रास्ता है बिल्कुल, कच्चा अपने खेत का। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो सुमा दूसरा गाड़ी चलाता था पीछे बैठी बैठी हुई डरती थी, डर लगता था इसको कि खुद गाड़ी चलाने लग रही है। हौसला चाहिए, एक मतलब जोश जुनून और जज्बा चाहिए जीवन जीने का। और जितनी भी देश की बच्चियां हैं उनको सुमा से सीख लेनी चाहिए। सुमा ने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है, अपनी कड़ी मेहनत के सहारे इसने अपना सब कुछ जो है आज इस मुकाम पर पहुंची है। इसका पिघलाओ कमजोर समझता पाए सगड़ों कमजोर समझता है डरपोकर कमजोर है। और एनी टाइम बस डानी डानी वाले काम कर सीख है। गेट कर लिया गेट हमी है बहुत जोरदार। क्या तमीन की बोल सुंदी लाणू की बोल सब पकड़ दो। ये जो आप देख रहे हैं कणक की फसल हो नार, तो टिल्ला भी बहुत है, साहसी है। उसने अपने बलबूते पर ही मतलब पढ़ाई करी और अपने बलबूते पर ही नौकरी हासिल की। टिल्ला भी बहुत होशियार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे घर परिवार के बीच में रह करके और सुमा ने जो मुकाम हासिल किया है वो हर किसी लड़की के बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा हौसला, बहुत बड़ा जोश और जुनून, साहस चाहिए। इतना बड़ा इसने मुकाम हासिल किया है। ठीक है तो खेत में भलाई कराओ तो अपन तो दवाई का सा देना। तने पीली पीली खड़ी है बाबा, खुराक दे दी तो पीली खड़ी है तने को है अरपट तई कराई आगे बाकी है जो अरे बाकी है ले ओ बुए दिन तो देगी ज्यादा पड़ी है रो तू अठे रोक ले। अरे बस हूं फेर आगे घुमा ले के घुमा के पांच मिनट करके आ तो कहीं पानी ले। पूरे खेत की स्थिति ये है कि अभी जो है अभी थोड़ा सा मौसम ठीक है, ठंड का मौसम है और कणक को इस समय कोहरा जो धौर पड़ती है वही चाहिए और ठंडा मौसम चाहिए। तो ठीक है कुल मिला के कणक। और इन्होंने जो ये खरपतवार नाशक एक स्प्रे आती है वो स्प्रे भी कर दी है और एक डोज भी कणक में दे दी है जिंक सल्फर यूरिया मिला करके। तो ठीक है कुल मिला के ये देखो इस प्रकार की कणक है पूरे 16 बीघा में। ये पूरा खेत देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार का मूली लगा रखेंगे महेश जी? नहीं मूली और खेल गए मूली गाजर वो धनिया मटर लेट होने वाले छोटे छोटे हैं जो ही तो नहीं लहसुन आलू। हाँ सब्जी तो सारी लगा रखी है। गा ठीक है थारे दोनों ही? दोनों एक और लिया है कि तीन लिया है? तो भाई एक घरारी बैगी आ पर के ले यार आ ब्लेयर ने ले ही। हां हां अच्छा तो तीन होगी गा अभी? तीन होगी। तीनों दूध देवे हैं के दो देवेंगी दिन 15-20 दिन रे इनको मिलो है।
अच्छा, फसल ने तो चाहिए सर्दी, सर्दी और पशुओं ने सर्दियों बचा के रखने वास्ते बोरिया बारिया थे एकदम बढ़िया पल्लिया बना रखी है भाई। अब अगर गोर देखो हमारी गोटा जका है, गोटा अपने आवे है आ कट्टा में बई है के कट्टा, हां गोटा रा गोटा वाला कट्टा है जका हूं एकदम बढ़िया और देखी काम को नहीं आवेगा, पल्लिया पल्लिया जोरदार बना रखी भाई। परगे तो वे कपड़ा रा कोई माथे को सिंग दिया, कोई कहंगी सोफे की खोली रिया खोली बना के रब का ए और है के कट्टा इता ही आ गए, लाइटन लुइटन लगा के छप्पर ने एकदम टनाटन बना रखे हैं। अब करेंगे और बनाएंगे छप्पर है और गायन पालो कौन लागे भाई इंग में। हाँ एकदम ओटे का माया उतरा दी ओटे चौकी उतरा दी फिर वो तिरपाल और आगे तो लट्टे कैट कर कून पान को नहीं आवे इंग और लाइट भी लगा रखी है इंग तार तूर की निगर रखिया कटे कोई फाल्ट को नहीं एकदम नई ओले आगे लगाई है कटे फाफ मूंगफली है चुगाई कर ली है बिल्कुल और देखो इस तरीके चुगाई चालू कर रखी है इंगमा कचरा पट्टी है अभी इन दो गुण बोल पड़ियो लगे मन दो गुण दो गुण तो कचरा चुग दियो इतनी देर के मा जा कमाणी भाई कई कई जगह तो जबरदस्त कनक है इस प्रकार की है देखो चलो चलो बिन्नी चलो बिन्नी खेजड़ी जो है देखो खेजड़ी ये खेजड़ी के नीचे ये स्थिति है कनक अब बिन्नी क्या मिजाओ तो बाज के देखो यहाँ एक गरेज कान चालनो है बे आजो सुनोगे को गरेज कान चालनो है बे आजो पूरी पलटन है भी मो छंटनी हो जाओ डाणी जानो है बे डाणी जा सको और गरे जानो है जका आ जाओ मेरे सागे कान सिंह जी खेत सिंह जी तंवर गांव मांगासर सरदार सर चूरू से 151 रुपया
एक गो माता भक्त नगर झुंझुनो राजस्थान से 111 रुपया, सुनील कुमार जी रिटोलिया नगर धनबाद झारखंड से 501 रुपया, आशुतोष जी रणवा गांव जाजोद लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान से 1100 रुपया, बनवारी लाल जी स्वामी गांव धीरदोदा मिठा लाडनो नागौर से 111 रुपया, जयप्रकाश जी गांव ढोरका गुरुग्राम हरियाणा से 500 रुपया, प्रीतम जी गुप्ता अपने बर्थडे पर नगर दिल्ली से 251 रुपया, मदन लाल जी कुमावत बालाजी स्टैंड खिमासर झुंझुनू से 251 रुपया, भंवरलाल जी रूपाराम जी नायक गांव मैनसर नोखा बीकानेर से 151 रुपया, बहन रश्मि जी मेहता नगर विकासपुरी दिल्ली से 201 रुपया, सुनील कुमार जी जांगिड़ गांव बादूसर सीकर राजस्थान से 500 रुपया, ममता दशरथ जी राजौरिया नगर बाजौर सीकर राजस्थान से 251 रुपया, मूलाराम जी उमाराम जी भाटी गांव वरकाना जिला पाली हाल मलाड मुंबई से 111 रुपया, मदन जी तालापा गांव रूणीजा पर्वतसर नागौर से 501 रुपया, नाथुराम जी चौधरी गांव सिरसी जिला जयपुर से 310 रुपया, एक गो माता भक्त अपने पोते दिग्विजय के बर्थडे पर कोयलागढ़ी बीकानेर से 101 रुपया, तरसेम जी माजोका नगर भिवाड़ी अलवर राजस्थान से 1100 रुपया, राधेश्याम जी सैनी नगर भरतपुर राजस्थान से 251 रुपया, गजेंद्र जी अशोक जी हर्ष नगर जोधपुर राजस्थान से 200 रुपया, राजीव जी विनोद जी भाटिया नगर रोहतक हरियाणा से 101 रुपया और रामलाल जी गांव गेडाप जिला चूरू राजस्थान से 151 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा पूरा हिसाब किताब रख सकूँ। धन्यवाद।